स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एम्स 2014 पेपर का 28th क्वेश्चन। 27 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस की फॉर्म में अपलोड कर चुकी हूँ और आई होप वो 3 वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हो और आपको अच्छी लग रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अब आपका एम्स का पेपर जो है वो काफी दूर नहीं है, बहुत पास में ही है। 25th और 26th को पेपर है आप लोगों का और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स के पेपर तो कंप्लीट कर ही लें कैसे भी करके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम 28th क्वेश्चन जो है करते हैं, क्योंकि आज हमें ये पेपर एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट्स तो आपको उसी के थ्रू मिलेंगी। राइट, तो चलिए 28th क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई। एक्चुअली काफी सारी वीडियोस में आपको काफी सारी डिस्टर्बेंस दिख रही होगी। तो मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो एक्चुअली दैट वॉज ए डक्टिंग डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो उसको प्लीज इग्नोर करना एंड कीप कॉन्सेंट्रेट ऑन वीडियो। ठीक है, एंड क्वेश्चंस, तो चलिए 28th क्वेश्चन हम करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर इन विच द ओ ओ बॉन्ड मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज इज। तो देखिए, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर ये बताना चाहूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा देखो तीनों को ऑब्जर्व कर लो। मैं यहां तीनों को लिख देती हूँ, O3, O2 और H2O2। राइट, O3 में आपको पता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। O2 में डबल बॉन्ड होता है एंड H2 में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसको बॉन्ड ऑर्डर से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूँ अलग पेन से ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। राइट, तो अब आप देखिए यहां पर कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर जो है इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, है ना। तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। राइट, सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 होगा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो ऑर्डर होगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड एंड देन O3 एंड देन क्या आ जाएगा, O2। ठीक है, इसका क्या होगा, 1, इसका पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो 1.5 के करीब आ जाएगा एंड दैट इज 2। ठीक है, तो ऑर्डर आप इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑर्डर आपके लिए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी आपके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज 29th क्वेश्चन। एन एलपीजी सिलेंडर कंटेनिंग द 15 kg ब्यूटेन एट 27 degrees Celsius एंड 10 atmospheric प्रेशर इज लीकिंग। आफ्टर 1 day इट्स प्रेशर डिक्रीज टू 8 atmospheric प्रेशर एंड द क्वांटिटी ऑफ द गैस लीक्ड इज। तो देखो, आप इस पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, वीडियो पॉज करके, आई विल सजेस्ट यू वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तभी आप पता कर पाओगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप देखो, आपको क्या दे रखा है, प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, P1 और P2 की वैल्यू दे रखी है, तो P1 और P2 की वैल्यू आपके पास है। राइट, टेम्परेचर की वैल्यू सेम है, 27 degrees Celsius। ठीक है, एंड देन आपको फाइंड आउट करना है कि द क्वांटिटी ऑफ गैस लीक्ड इज। तो देखो, आप इसमें आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हो, PV=nRT। यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पे 2 इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी। इक्वेशन 1 में ये मान रही हूं N1। ठीक है, एंड P2V=n2RT। तो देखो, वॉल्यूम सेम है तो मैंने वॉल्यूम के आगे 1 या 2 या फिर इनिशियल या फाइनल कुछ भी नहीं लिखा है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो बिल्कुल सेम होगा। इन दोनों इक्वेशंस को आप आपस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मैं इस पेज पे आपको करके दिखा रही हूँ। डेट इज P1 अपॉन P2
एंड देन एन वन अपॉन में एन टू, बिकॉज ये आरटी जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है. एंड देन एन इज द नंबर ऑफ मॉल्स. तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आपको पता ही है एन वन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वन अपॉन में यानी गिवन मास अपॉन में मोलर मास और गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो आपके पास यहां पर आप क्वेश्चन को जब ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या है, एक किसकी बात हो रही है, एलपीजी सिलेंडर की, यानी सिलेंडर के अंदर एलपीजी गैस है, ठीक है. तो ये पूछा हुआ है कि एक दिन के बाद जब प्रेशर 10 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो कितनी क्वांटिटी ऑफ गैस लीक हो गई. लेकिन ओवरऑल द क्वेश्चन जो है, इन ओवरऑल द क्वेश्चन जो है वो एक ही गैस है तो दोनों का मोलर मास तो क्या होगा, सेम ही होगा. तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, राइट. तो आपके पास इक्वेशन जो है वो आ गई दिस वन, ये इक्वेशन आपके पास कंप्लीटली आ गई है, ठीक है. अब आपको देखो, आपको P1 दिया हुआ है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P2 दिया हुआ है 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, W1 की वैल्यू आपको देखो यहां पर कितनी दी हुई है, दैट इज 15 kg, ठीक है. तो आप यहां पे पुट कर दोगे 15 kg और W2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 8 अपॉन क्या आ जाएगा, 10, राइट. यानी यहां पर आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 12 kg, ठीक है. यानी कि W2 अब हमारे पास 12 kg है, ठीक है. अब आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ गैस लीक्ड, इट मींस गैस कितनी लीक हुई होगी. जब फर्स्ट डे मेजर किया तो उसका वेट था 15, जब सेकंड डे मेजर किया तो उसका वेट था 12. तो यानी कि इसका मतलब टोटल कितनी गैस जो है लीक हो गई, 3 kg. ये रहा आपके पास ऑप्शन सी, ठीक है. W1 एंड W2 आप निकाल लोगे, W1 की वैल्यू 15 ऑलरेडी दे रखी है, W2 आपने निकाली है, यानी कि पहले दिन 15 था, सेकंड डे उसका वेट किया तो 12 था, यानी कि एक दिन में कितनी यूज हुई है, लीक हुई 3 kg, राइट. 30th क्वेश्चन देखिए, एंज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरीड आउट इन ए ओपन कंटेनर फॉर विच द रिएक्शन डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा ई इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो आप सबको पता है कि डेल्टा एच जो होता है इक्वल में डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है, ठीक है. सबको मालूम है ये फॉर्मूला, ठीक है. अब यहां पर क्या करना है आपको, डेल्टा एच इक्वल में डेल्टा ई और P डेल्टा V की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, देखो P V इक्वल टू एन आर टी होता है तो P डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एन आर टी, ठीक है. तो डेल्टा N यहां पर आप डेल्टा एन आर टी को पुट कर दोगे, ठीक है. मैं आपको ये बता रही हूँ, देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन में माइंड यूज करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, ठीक है. तो आपको बहुत स्पीड में सिर्फ छोटी सी ट्रिक्स लगानी है या फिर थोड़ा सा आपको अपना मेमोरी को इकट्ठा करके रखना है वहां पर, ठीक है, जहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन को देखते ही फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है. अब यहां पर क्या है, डेल्टा एन आर टी आ गया है. यहां पर डेल्टा एन क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है. तो प्रोडक्ट का क्या है, देखो इन चारों इक्वेशंस में से आप क्या करोगे, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये चारों रिएक्शन जो हो रही है ओपन कंटेनर में हो रही है तो किस रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी, जिसके अंदर नंबर ऑफ, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसी रिएक्शन जो कि ओपन कंटेनर में होती है उसके लिए डेल्टा एन जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है. डेल्टा एन में जीरो का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो आप चारों इक्वेशंस के अंदर देख लो, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, यहाँ पे शुरू, यहाँ क्या है, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, टू, टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, तो टू माइनस थ्री कितना हुआ, माइनस वन. देखो प्रोडक्ट का क्या है, टू, और इन दोनों का टोटल करोगे कितना हो गया, थ्री, तो यहां पे हो गया टोटल माइनस वन, जीरो नहीं आया, यानी कि इसमें डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट आप चलोगे इस रिएक्शन के ऊपर, पीसीएल फाइव के ऊपर, यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वन, यहां पे कितने हैं, टू, तो
टू माइनस वन क्या आ गया, वन, तो इसके लिए भी यानी कि जीरो नहीं आया, इट मीन्स डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई के इक्वल नहीं है, यानी ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन पे चलोगे तो यहाँ पे क्या है वन, यहाँ पे क्या है टू, टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, यानी कि रिएक्टेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए टोटल थ्री। यहाँ पे देखिए टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, सॉरी यहां पर देखिए सी एस मीन सॉलिड फॉर्म दे रखे, सॉलिड को तो आप काउंट ही नहीं करते हो, है ना, सिर्फ गैस गैस वालों को काउंट करोगे आप, तो ये आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। जैसे अभी मैं भूल गई, आप हो सकता है आप भी भूल जाओ, तो अब देखो यहाँ पे टोटल कितने हो गए टू हो गया, रिएक्टेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए टू, यहाँ पे कितना हो गया टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, तो थ्री माइनस टू कितना हो गया वन, है ना, तो वन भी क्या हुआ डेल्टा एन, जीरो हमें चाहिए लेकिन वन तो है जो जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसके लिए भी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई पॉसिबल नहीं है, यानी ये तीन रिएक्शंस तो नहीं हो सकती। इसमें भी हम चेक कर लेते हैं, देखो तीनों सेम फेज में है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है वन, यहाँ पे कितना हो गया वन और यहाँ पे कितना हो गया टू, तो टू माइनस टू कितना हो गया जीरो, तो इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई है जीरो, यानी कि इसके लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई होगा। ये इजी वे है रिएक्शन के अंदर कंफ्यूज होने से बेटर है, ठीक है, कि आप सबसे पहले डेल्टा एन निकाल लो सबके लिए, जिसके ओपन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन की वैल्यू जीरो होती है, सिर्फ आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इन ए बेसिक बफर 0.0025 मोल ऑफ दैट इज ए सोल्ट अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये एक टाइप का सोल्ट है, एंड 0.15 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर प्रेजेंट, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल बी दिस। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक्चुअल में शायद मिसप्रिंट है, ये पी के बी की वैल्यू दे रखी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिक बफर की बात कर रहा है, एसिडिक बफर की नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला, वीडियो को पॉज करना फिर बताना मुझे क्या है इसका फॉर्मूला, क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा हो आपने तो इसमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। फॉर्मूला होता है दिस पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, है ना। अगर आप एसिड के लिए निकालोगे तो यहाँ पी के ए वैल्यू आ जाएगी प्लस लोग सॉल्ट प्लस एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड आ जाएगा, सिर्फ यही डिफरेंस होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप आगे काम कर पाओगे, तो इस चीज को ध्यान रखना। देखो पी के बी की वैल्यू आपको दे रखी है 4.74, ठीक है, प्लस यहाँ पे लोग हुआ 0. अब देखो यहाँ पे सोल्ट की वैल्यू, यानी मैंने आपको बोला ना अमोनियम क्लोराइड क्या है, सोल्ट ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.0025, तो आप यहाँ पुट करोगे 0.0025 और बेस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है एक बेस, तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 0.15, तो आप यहाँ पुट कर दोगे 0.15, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, अभी मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके ही बता रही हूँ, ठीक है, और आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ लेना, ठीक है। अभी मैं आपको कम्प्लीटली सॉल्व करके बता रही हूँ, इसका आंसर आएगा 0.01666, राइट। तो यहां पर इसकी वैल्यू भी आपको गिवन, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -1.78, ठीक है, ये लॉग टेबल से निकल जाएगी वैल्यू, और आपको लॉग टेबल जो होती है वो एग्जाम में गिवन होती है, अगर वो गिवन नहीं हुई तो आपको क्वेश्चन के क्वेश्चन में ही दे रखा होगा लॉग की वैल्यू, तो वो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप निकालोगे 4.74 माइनस 1.78, आपके पास आ गया 2.96, राइट। अब आपको पता है आपके पास ये वैल्यू आ गई है पीओएच की, यानी कि बेस की आ गई है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज, आपको पता है पीएच होता है पी, है ना, पीएच प्लस पीओएच होता है इक्वल टू 14, ठीक है। अब आपसे पीएच पूछा है, पीओएच की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है, तो पीएच और इसकी वैल्यू क्या आ गई 2.96 इक्वल
क्या हो गया 14, तो आपके पास पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ गया 14 माइनस 2.96। अब आप आई थिंक अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं और आपके पास वैल्यू कुछ आ जाएगी 11.04। ठीक है, सिर्फ आपको देखो आपसे बेसिक बफर की बात की हुई है और आपसे पूछा हुआ है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पीएच ऑफ पीओएच क्या होता है इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहां पर आपको पीएच निकालना है तो सबसे पहले पीओएच की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए और पीएच की वैल्यू को निकालने के लिए इन्होंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ऑलरेडी दे रखी हैं, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ अक्सर, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, हमेशा मैं अपना तरीका आपको बता देती हूँ, मैं हमेशा इनका एसिड फाइंड आउट कर लेती हूँ, जैसे कि HCl नेगेटिव है तो HCl होगा, है ना, इसका जो होगा एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इसका होगा HBr। ठीक है, HF नेगेटिव का होगा HF और HI नेगेटिव का होगा HI। तो आप सबको मालूम है कि HI जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन का साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसके साइज की वजह से। तो जब आप H देखो, ऐसा होता है कि ये I का साइज है। ठीक है, अब इसमें ये जो इसका ये H पॉजिटिव को इजिली निकाल जाता है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, और दूसरा इसका और इजिली H आयन को लॉस कर देता है क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है ये अपने इस साइज के अंदर इजिली डिस्पर्स कर पाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक ही होगा, सीधी सी बात है ना, तो इसलिए आप हमेशा ना इस तरीके से, अब आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो आप क्या निकालो, वीक एसिड निकालो। वीक एसिड क्या होता है, HF। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, F नेगेटिव। मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ, मैं हमेशा इनके अल्टरनेट एसिड्स निकालती हूँ और फिर एसिड के थ्रू मुझे पता लग जाता है कि ये वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस मतलब वीक एसिड। ठीक है, आप ये ध्यान रखना क्योंकि फिर ज्यादा कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं रखने पड़ते, एक कॉन्सेप्ट से सारे काम हो जाते हैं और हमें इतना सारा लर्निंग पोर्शन ऑलरेडी हो जाता है कि हर एक चीज को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ हमेशा आप अल्टरनेट निकाल लो, ये भी आधा मिनट या 30 सेकेंड्स के अंदर ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 33rd क्वेश्चन, फॉर द गैस फेज रिएक्शन द C2H4 प्लस H2 इक्वल में C2H6, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर देखो आपसे ये वाली रिएक्शन मैं आपको अलग लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या नोटिस करोगे, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो उसने यही बोला है कि जब रिएक्शन किसी इक्विलिब्रियम में हो तो अगर मुझे C2H4 की इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना है तो वो कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी रिएक्शन को बैकवर्ड करना है, यू कैन से। ठीक है, क्योंकि C2H4 की कंसेंट्रेशन की बात की गई है तो यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तभी तो इसकी कंसेंट्रेशन की बात कर पाएंगे। तो चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, डिक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रिमूविंग सम C2H6 या एडिंग सम। देखो अगर हम H2 को ऐड करेंगे उससे C2H4 की कंसेंट्रेशन पे आई डोंट थिंक सो कोई इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से सोचना इस बात को, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन की बात कर रही है तो इसका मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात कर रही हूं मैं। जितना ज्यादा रिएक्टेंट में किसी भी एक की कंसेंट्रेशन बढ़ाने की बात करूं या घटाने की बात करूं, उसका डायरेक्ट जो अफेक्ट पड़ेगा वो प्रोडक्ट पर होगा। ठीक है, H2 को अगर मैं ऐड करूंगी उसका C2H4 पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, रिमूविंग सम C2H6। ठीक है, आप सबसे पहले ये दो फैक्टर को देखो। ठीक है, इन दो फैक्टर में सबसे पहले देखो आता प्रेशर डिक्रीज होगा, हमेशा ना जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, यानी कि रिएक्टेंट की साइड जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया, प्रेशर डिक्रीज का मतलब है कि रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड रिएक्शन में जानी चाहिए तो ये ज्यादा बनेगा, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, हम ये कैसे भूल सकते हैं।
ठीक है। तो नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब है रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होना, ठीक है। रिएक्शन का एक्सोथर्मिक मतलब हीट जो है वो रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। यानी कि ली चैटलर प्रिंसिपल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाती है ना। यानी कि ज्यादा C2H4 बनेगा उस टाइम पर। अगर मैं एक्सोथर्मिक में ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर को डिक्रीज करूं तो उल्टा होगा। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है इसका नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज मतलब रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होना, ठीक है। और फिर आपको याद रखना है कि अरे एक्सोथर्मिक है और इक्विलिब्रियम की बात आ रही है, मतलब ली चैटलर प्रिंसिपल, एंड देन ली चैटलर प्रिंसिपल में एक्सोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, जबकि प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे। तो अब आपके पास 7 क्वेश्चंस रह गए हैं स्टूडेंट, बाकी आपका कंप्लीट 2014 एम्स का पेपर हो चुका है। अब बस एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, वो भी अभी कुछ ही देर में, ठीक है। स्टूडेंट्स कुछ ही देर में साइट पे भी ये पूरा के पूरा पेपर अपलोड हो जाएगा, प्लीज वहां पर भी उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो मेल कीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।